हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लार्ज कैप स्टॉक है एक बढ़िया सा स्टॉक है ये स्टॉक में अभी स्विंग ट्रेड के लिए भी एक बढ़िया सा सापॉर्चुनिटी बना हुआ है और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी एक बढ़िया सा साटी बना हुआ है फ्रेंड्स ये स्टॉक में कौन सा लेवल पर हमें एंट्री लेना है और क्या टारगेट रहना चाहिए तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे फ्रेंड्स ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये जो टिकट वाला वीडियो है ये वीडियो को जरूर देख लीजिए जो कि आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आप इसको फ्री वर्जन मतलब फ्री में प्रो वर्जन भी कैसे यूज़ कर सकते हैं उसमें भी मैंने आइडिया बताया हूँ तो ये वीडियो जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको एक बढ़िया सा नॉलेज मिल सकता है कैसे हम रिसर्च करते हैं उसके बाद में आपको अगर फ्रीली ये मतलब ये प्रो वर्जन अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे फ्रीली यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी आइडिया बताया हुआ है फ्रेंड्स ठीक है अगर कोई एक फंडामेंटल स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं वो वीडियो को जरूर देख के आप समझ सकते हैं कौन सा स्टॉक में आपको एंट्री लेना है कौन सा स्टॉक में नहीं लेना है ठीक है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो डाबर एक वीडियो है ये वीडियो को जरूर देख लीजिए फ्रेंड्स काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी अभी स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है फ्रेंड्स इसी टाइम पर आप एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा जरूर उठाइए अगर आपके पास में कोई आपका फ्रेंड सर्कल है कोई अगर आपका मतलब क्लोज़ फ्रेंड है या क्लोज आपका फैमिली फ्रेंड्स है या तो फिर कोई रिलेटिव है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं उनको जरूर आप अपना लिंक भी भेज सकते हैं तो वहाँ से आपको क्या होगा वहाँ से आपको पॉइंट्स मिलेगा वो पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हैं कैसे कैसे इस वीडियो में आपको समझाया हुआ है और एक चीज़ है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इसी वक्त तो आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सा स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहिए अभी बहुत बड़ा सेल लग रहा है काफ़ी सारा स्टॉक में सेल लग रहा है तो ऐसा जो सेल लगा हुआ है ना उस टाइम पे आपको डरना नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा करना है अगर सपोज आपके पास में अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सब सरप्लस मनी नहीं है तो आप इंतजार कीजिए आप लॉस में कोई भी स्टॉक को सेल मत कीजिए आप इंतजार कीजिए ठीक है फंड आने दीजिए तो उसके बाद में आपको कोई एक स्टॉक में प्रॉफिट आएगा तो उस हिसाब से आप दूसरा स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं लेकिन कोई भी स्टॉक को सेल करके आपको दूसरा स्टॉक नहीं लेना है फ्रेंड्स ठीक है अभी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी जो कंपनी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स ये है एच डी एफ सी एम सी अभी इस स्टॉक में हम एच डी के बारे में बात करेंगे और इसका टारगेट क्या रखेंगे और इसका लेवल क्या रहेगा और किस बेसिस पे इसको सिलेक्शन किए हैं सारा पैरामीटर फ्रेंड्स आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स ठीक है ये जो एच डी के बारे में हम बात करेंगे ये कि एच डी एक लार्ज कैप स्टॉक है ठीक है अगर इसका हम प्रोमोटर देखेंगे तो एच ही लिमिटेड है फिफ्टी का स्टेक है यहाँ पे और अगर हम एच लाइफ की बात करेंगे पहले ट्वेंटी का था लेकिन अभी अभी अगर देखेंगे तो अभी सिक्सटीन परसेंटेज का स्टेक अभी एच डी एफ सी जो स्टैंडर्ड लाइफ का है तो इस हिसाब से अगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे एक बढ़िया सा मल्टी वेगर स्टॉक है ये स्टॉक का ये एयम साइज़ देख लीजिए जो कि एसेट मैनेजमेंट है तो इनका फोर लाख करोड़ का एसेट मैनेजमेंट है जो कि दिसंबर 2020 का डाटा बता रहा है तो इस हिसाब से अगर हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे दे आर ट्वेंटी इक्विटी ओरिएटेड स्कीम इनके पास में है और नाइन्टी डेट ओरिएंटेड स्कीम है और यहाँ पे एच डी एफ सी एम सी टोटल कस्टमर काउंट फिफ्टी सिक्स लाख आज एग्नेस्टा ऑफ टोटल टू पॉइंट जीरो एट करोड़ ऑफ स्टॉक इन द मार्केट तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस भी इनका है जो कि ट्वेंटी सेवन परसेंटेज का मार्केट शेयर रखता है ये स्टॉक मतलब ये ए एम सी तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया डाटा है, है अगर इस हिसाब से हम अगर यहाँ पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी कंपनी मैनेज 89.9 लाख लाइफ अकाउंट आज दिसंबर ट्वेंटी का डाटा है तो इस हिसाब से एच डी एफ सी एम सी हाज ए पैन इंडिया नेटवर्क विथ टू ट्वेंटी फोर ब्रांच एंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पे सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्व 98 एट परसेंट ऑफ पैन कोड ऑफ द इंडिया तो ये कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी है तो इस हिसाब से इनका जो इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे तो एच डी एफ सी लिमिटेड का प्रमोटर है यहाँ पे एच डी एफ सी लिमिटेड यहाँ पे प्रमोटर है उसके बाद में स्टैंडर्ड लाइफ भी यहाँ पे प्रमोटर है तो यहाँ पे जो अभी हम देखते हैं यहाँ पे फिफ्टी फोर थाउजेंड करोड़ का मार्केट क्या पे तो इसका अगर पी देखेंगे तो फोर्टी का पी है आर ओ सी देखेंगे तो थर्टी नाइन का आर ओ सी है डेट फ्री कंपनी है फ्रेंड्स अगर प्रोमोटर प्लेज की बात करेंगे यहाँ पे जीरो परसेंटेज प्रोमोटर प्लेज है तो इस हिसाब से स्टॉक का अगर ऑल टाइम हाई देखेंगे थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड का ऑल टाइम हाई है अभी जो कंपनी अभी ट्रेडर हो रहा है करेंट मार्केट प्राइस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सेवेंटी नाइन पर ट्रेडिंग हो रहा है तो इस हिसाब से सा अगर हम स्टॉक में देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में जो लास्ट सितंबर में था 456 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था अभी का सितंबर में यहाँ पे 542 करोड़ का सेल्स है इस हिसाब से सा अगर हम देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट 338 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट लास्ट सितंबर में था ईयर ऑन ईयर में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 344 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है तो मतलब फ्लैट प्रॉफिट बिल्कुल नज़र आ रहा है तो इस हिसाब से सा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फ्लैट प्रॉफिट नज़र आ रहा है अगर लास्ट चार क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिट देखेंगे वन करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट है जो कि अगर सेल्स भी देखेंगे टू थाउजेंड थर्टी फोर करोड़ का सेल्स है तो सेल्स भी फ्लैट नज़र आ रहा है अगर हम इसी हिसाब से एक बार यहाँ पे रिजर्व देख लेते हैं रिजर्व 2016 को यहाँ पे 1126 करोड़ का था इसी हिसाब से अभी अगर देखते हैं फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी टू करोड़ का रिजर्व है रिजर्व तो बहुत बढ़िया से ग्रो हुआ है लेकिन अब अगर लास्ट अगर देखेंगे तो इतना ज़्यादा ग्रोइंग रिजर्व नज़र नहीं आ रहा है कि अगर मार्च ट्वेंटी को भी अगर कंपेयर करेंगे तो इसी हिसाब से ओनली सेवन करोड़ का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है ग्रो हुआ है अगर इस हिसाब से प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे तो बढ़िया सा प्रमोटर का होल्डिंग है जो कि 68.85 परसेंटेज का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है एफआई के पास में है 8.95 परसेंटेज का होल्डिंग है डीआई के पास में 7.58 परसेंटेज का होल्डिंग है पब्लिक के पास में फोर्टीन परसेंटेज का होल्डिंग है फ्रेंड्स अगर पब्लिक पब्लिक के पास में फोर्टीन परसेंटेज होल्डिंग देखेंगे इसमें से जेपी मॉर्गन के फाइव अगर निकाल देंगे ओनली नाइन का पब्लिक के पास में होल्डिंग है फ्रेंड्स तो इसी साथ सा इस हिसाब से अगर स्टॉक में हम टेक्निकल पैटर्न में जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे स्टॉक जो ट्रेडिंग हो रहा है इसका आर एक बार पहले देख लेते हैं जो आर अभी फोर्टी का लेवल पे चल रहा है तो इस हिसाब से सा अगर स्टॉक का लेवल भी देखेंगे अभी स्टॉक बिल्कुल एक यहाँ पे पूरा बियरि जोन में चल रहा है देखिए अभी अगर देखेंगे स्टॉक अभी हंड्रेड डे का जो ये रेड कलर जो है हंड्रेड डे का मूविंग एवरेज को शो कर रहा है सिंपल मूविंग एवरेज है अगर हमें ब्लैक कलर की बात करेंगे ब्लैक कलर एक 200 डे का मूवी एवरेज की शो कर रहा है अगर आपको मूवी एवरेज कैसे सेट करते हैं तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है ज़रूर आप देख के सीख सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में जरूर विजिट कीजिए जो कि आपके पास में काफ़ी सारा स्टॉक रहेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यूली एंटर किए हैं ये वीडियो को जाके देख के आप काफ़ी सारा चीज़ सीख सीख सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक है यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक है और कौन सा स्टॉक में अपॉर्चुनिटी अभी भी है ये सारे वीडियोज आप देखेंगे ना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहाँ पे भी आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे हैं तो यहाँ से आप जरूर जाकर सीख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल वाला ये जो प्ले है इसको जरूर आप विजिट कीजिए यहाँ पे काफी सारा टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं यहाँ से आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है अभी अगर देखेंगे तो इस हिसाब से स्टॉक अभी बिल्कुल अभी काफ़ी करेक्शन पे स्टॉक अभी चल रहा है ठीक है अगर स्टॉक की बात करेंगे तो रिसेंट जो हाई है रिसेंट हाई से अगर हम देखेंगे तो इसी इसी हिसाब से स्टॉक अभी देखिए अभी भी एक ट्वेंटी थ्री परसेंट करेक्शन पे मिल रहा है ये स्टॉक जो है एक लार्ज कैप स्टॉक है स्टॉक में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जिस हिसाब से स्टॉक में करेक्शन चल रहा है ठीक है ना तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर हम स्टॉक में पोजीशन लेना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से पहला जो शॉर्ट टर्म गेन का आपका टारगेट रहेगा स्टॉक यहाँ पे दो बार रेजिस्टेंस फेस किया है फ्रेंड्स ठीक है तो आपको ये लेवल तक जरूर आपको ट्रैक रख सकते हैं अगर स्टॉक में आपको पोजिशन बनाना चाहिए अगर बनाना चाहते हैं तो ये लेवल तक लेके चल सकते हैं जो कि डबल थ्री फोर टू लेवल तक अगर वहाँ तक अगर पोजिशन बनाएंगे अभी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है क्लोजिंग प्राइस चल रहा है तो इस हिसाब से टू फाइव सेवन फाइव से अगर बाय करके चलेंगे मंडे का दिन में तो यहाँ पे अगर हम टारगेट रखते हैं इसका टारगेट अगर रखते हैं डबल थ्री फोर फाइव फोर टू तक का तो यहाँ पे एक थर्टी परसेंटेज का गेन फ्रेंड मिल सकता है एक बढ़िया सा स्टॉक है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है ये स्टॉक में ना आपको मतलब इसमें पूरा सेफ़ है ये जो इन्वेस्टमेंट आपका है ये फुल्ली सेफ़ है क्योंकि आपको पता है कि एच का ग्रुप है तो ऐसा ट्रस्टेड ग्रुप स्टॉक मार्केट में है आपको तो मालूम है एच डी एफ सी जैसा ग्रुप ट्रस्टेड और नहीं है तो इसी हिसाब से ये एक ट्रस्टेड ग्रुप है और एक लार्ज कैप स्टॉक है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिस हिसाब से ग्रोइंग हो रहा है म्यूचुअल फंड में पेरट्रेशन में जिस हिसाब से ग्रोइंग हो रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो इस हिसाब से आपको एक बढ़िया सा यहाँ पे ग्रोथ नजर आ सकता है अगर स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो वो ये भी आपको एक बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी दे रहा है देखिए काफी मंथ से करेक्शन पे चल रहा है ठीक है ना ऐसा हमें नहीं पता ये स्टॉक भागेगा तो जिस टाइम पे भागेगा ना उस टाइम पे आपको एंट्री लेने की मौका ही नहीं मिलेगा आप बिलीव कीजिए फ्रेंड्स मेरा बात को बिलीव कीजिए तो कभी भी कभी भी जब ये स्टॉक भागेगा ना आपको एंट्री का मौका ही नहीं देगा ठीक है एक एक दिन में दस परसेंट भागने लगेगा उस टाइम पे आप इंतजार करते रह जाएंगे ऐसा हो सकता है स्टॉक फिर दोबारा फिर नीचे सपोर्ट पे नहीं आएगा ठीक है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें एक दो स्टॉक लेके चलिए आगे बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन करके दे सकता है ये स्टॉक ठीक है ना ऐसा भी हो सकता है दस बीस साल अगर ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में रखते हैं ना तो फिफ्टी एक्स हंड्रेड एक्स का रिटर्न देने की बिल्कुल दम रखता है फ्रेंड्स ठीक है ऐसा में बिल्कुल भी मतलब इसमें कोई भी शॉक नहीं है या कोई भी मेरा डाउट नहीं है तो इस हिसाब से यहाँ पे बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है लार्ज कैप स्टॉक है अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो पोजिशनल ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप बिंदा सा भी पोजिशन बना लीजिए पहला जो टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे तेतीस तक तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए ठीक है डबल थ्री फोर जीरो पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए आपको थर्टी परसेंटेज का गेन मिल जाएगा इसका जो गेन का प्रोबेबिलिटी है मुझे लगता है आपको सिक्स मंथ्स में एक गेन अचीव हो सकता है ठीक है अगर फ्रेंड सिक्स मंथ्स से भी एट मंथ्स भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं अगर थ्री मंथ्स में भी अचीव हो गया वो हमारे लिए सुनहरा मौका है ठीक है तो हमारे लिए और प्रो पॉइंट है तो इस हिसाब से सा आप ये स्टॉक में अभी इमीडिएटली एंट्री ले सकते हैं जो कि मंडे के दिन में यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं डबल थ्री फोर जीरो और जो नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे एक नेक्स्ट टारगेट भी है तो इस हिसाब से सा अगर नेक्स्ट टारगेट की हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगर हम नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पे तो इस हिसाब से यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है ठीक है अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेफ़्ट शोल्जर बन चुका है तो यहाँ पे राइट वाला शोल्जर भी बन रहा है तो इस हिसाब से यहाँ पे रिवर्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है ठीक है तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से आपको ये स्टॉक को आपको टारगेट अगर देखना है तो ये टारगेट जो है आपको एक बढ़िया सा टारगेट भी आगे दे सकता है इसका जो आपको पीरियड रहेगा एक साल तक ये आपका टारगेट अचीव हो सकता है फ्रेंड्स ठीक है अगर हम देखेंगे ये स्टॉक का टारगेट फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तक ये टारगेट दिखा सकता है ठीक है अगर आपको ये स्टॉक में अगर थोड़ा सा एक साल तक होल्ड करेंगे ये स्टॉक में आपको बिल्कुल ये टारगेट देखने को मिल सकता है लेकिन अगर हम देखेंगे तो अभी से अगर फोर थाउजेंड सिक्स तक का बात करेंगे तो यहाँ पे कितना परसेंटेज का गेन का प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स ठीक है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं अगर हम देखते हैं अगर यहाँ तक का अगर टारगेट हम देखते हैं फ्रेंड्स वहां तक का टारगेट के लिए हमें एक 79 परसेंटेज का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स ठीक है जहां पे 79 परसेंटेज का गेन मिल रहा है एक लार्ज कैप स्टॉक है ठीक है ऐसा मौका किसी को छोड़ना नहीं नहीं, नहीं चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स न्यू है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में आप एस आई भी कर सकते हैं ये स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एक ये स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं ये एक स्टॉक ऐसा है तो आपका मतलब कैपिटल पूरा प्रोटेक्ट रहेगा इसमें कोई भी रिस्क नहीं है ठीक है आप ये स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए मेरे हिसाब से ठीक है तो आपको एक बढ़िया सा गेन मिल सकता है एट्टी परसेंटेज का गेन मिल सकता है अगर आपको एक साल के लिए इंतजार करेंगे तो मिल सकता है लेकिन फिर भी अगर फ्रेंड्स अगर एक साल से अगर डेढ़ साल भी लग जाए तो यहाँ पे एट्टी परसेंटेज का गेन है कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स लेकिन मुझे लगता है एक साल से ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि स्टॉक जब यहाँ पर इतना दिन से चल रहा है जो कंसल्टेशन हुआ है ना जिस टाइम पर ये स्टॉक भागेगा ना उस टाइम पर मौका ही नहीं देगा मतलब अपर सर्किट डायरेक्टली लगेगा ठीक है और ऐसा भी हो सकता है वन मंथ्स में भी ये टारगेट अचीव हो जाएगा लेकिन वो वन मंथ्स कब आएगा हमें नहीं पता हो सकता है दस महीने के बाद में वो वन मंथ आए यहाँ तक आएगा फिर उसके बाद में कंसल्टेशन चलेगा ठीक है ना तो इसीलिए स्टॉक में पोजीशन बना के बैठ जाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बढ़िया सा गेंद मिल सकता है गारंटी के साथ में ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एक एच स्टॉक है एच ग्रुप का स्टॉक है ठीक है और बढ़िया सा बिजनेस है तो लेकिन डिसीजन जो भी लेना है फ्रेंड्स आपका बिहेवियर लेना लेना है आप अपना हिसाब से भी डिसीजन लीजिए क्योंकि कैपिटल आपका है तो आप अपना हिसाब से एनालिसिस करके डिसीजन जरूर लीजिए फ्रेंड्स मैं अपना एनालिसिस आपको बताने की कोशिश की अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स ठीक है थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में